गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज गए हैं 8 और आज हम लोग बहुत लेट उठे हैं। आज दोनों भी जिम नहीं गया, गुड़िया उठ गई है। कैंडी और ब्राउनी भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि कब दोनों गुड़िया उठें और हम उनके साथ खेलें, तो फाइनली दोनों उठ गए हैं, इसलिए कैंडी और ब्राउनी उनके साथ मस्ती मारने लग रहे हैं। आज हम ऑलरेडी काफ़ी लेट उठे थे तो मुझे मशीन लगानी थी, इसलिए मैंने सबसे पहला काम जाते ही मशीन को ऑन करने का किया, क्योंकि अभी भी 1.5 घंटा लगना है कपड़ों को वॉश होने में। और कपड़े मेरे वॉश हो गए तो मैंने सोचा इन्हें टाइम से सुखा देती हूँ। आज वैसे भी नोनू घर पे ही था, जिम भी नहीं गया लेट होने की वजह से, तो मैंने सोचा साथ में नोनू की थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कपड़े सुखाने में, और नोनू ने साथ में मेरे कपड़े सुखाने में हेल्प कर दी, और जिससे मेरा काम जल्दी हो गया। कपड़े सुखाने के बाद जैसे ही हम अंदर गए, हमें पता चला कि आज आरती नहीं आ रही है, तो थोड़ा बहुत हमने सफाई का काम किया। और उसके बाद मेरे पास दोपहर को किसी ने मिलने आना था, तो इसलिए मैंने लंच बनाने का काम भी पहले ही कर दिया। आज बच्चों ने लंच में खाना था रायता और पुलाव, तो पुलाव मैंने सोचा टाइम से ही बना देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने मिलने आना था उन्होंने 12 बजे के करीब आना था, और फिर वो थोड़ा लेट ही जाते 1.5 घंटे के बाद, तो इसलिए बाद में ऑलरेडी लंच काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैंने टाइम से आज पुलाव बनाने का काम कर दिया और उनके आने से पहले मेरा लंच हो गया था रेडी। आज गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो स्विमिंग पर नहीं गई, तो शाम को मैंने उसकी हेल्प ले ली कपड़े समेटने में, और कपड़े समेटने के बाद उसने अलमारियों में लगाने में मेरी हेल्प कर दी, तो मेरा काफ़ी काम टाइम से वाइंड अप हो गया था। और साथ में ही हम लोग देख रहे थे रामायण, क्योंकि आदिपुरुष देखने के बाद बच्चों को थोड़ी सी चीज़ों पर डाउट था, तो हमने सोचा इनको कभी कभी बीच में एपिसोड रामायण के दिखा देते हैं, जिनसे इनके वो डाउट थोड़े क्लियर हो जाएं। तो हमने यूट्यूब पे लगा रखी है रामायण और सभी बैठ के उसको देख रहे हैं। कैंडी और ब्राउनी कभी भी अकेले नहीं बैठते हैं, इनको जहाँ पे सभी लोग होते हैं वहीं पे रहना होता है, और स्पेशली अगर मैं कहीं बैठी हूँ तो कैंडी ब्राउनी हमेशा मेरे साथ उसी रूम में बैठेंगे। तो यहाँ पे बैठ के दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टीवी में बीच बीच में देखने की, पर समझ उनको कुछ भी नहीं आता, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई और कैंडी और ब्राउनी के साथ मैंने मस्ती कर ली। गुड़िया अपना थोड़ा पढ़ाई का काम करने लग रही है पीछे। हस्बैंड गए हुए हैं बाहर और कैंडी और ब्राउनी दोनों दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि हस्बैंड कितनी देर में आएंगे, तो ये काफ़ी देर से यहीं पर बैठे हस्बैंड की वेट कर रहे हैं। और जैसे ही हस्बैंड आए इन्हें दरवाजे का पता चल गया और ये भाग के उनके पास गए हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी ये महसूस हो जाता है कि कोई गेट पे आ रहा है और अंदर आने वाला है। जब हस्बैंड वापस आए हैं तो आते हुए जो लीफ आर्ट हमने फ्रेम करने के लिए दी थी वो भी लेते आए हैं, पर कैंडी ब्राउनी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो एक बार उन्हें कैंडी ब्राउनी को थोड़ी सी देर प्यार करना ज़रूरी था, उसके बाद ही हम सीनरी देख सकते थे कि वो फ्रेम होने के बाद कैसी लग रही है। तो हस्बैंड बोले कि तुम जाके देख लो, इतने में इनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैं और नोनू आ गए थे सीनरी को देखने के लिए, और ये सीनरी अब हम देखते हैं कि कैसी लगती है। रात के बज चुके हैं 9, डिनर हमने कर लिया है। जिन्होंने मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो करें, और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें एलीन पर्सनल ब्लॉग्स के नाम से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।